इसरो ने अंतरिक्ष में रचा नया इतिहास। सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्य। इसरो की कामयाबी पर पूरे देश में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा सोलर मिशन की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई। भारतीय नौसेना के दम से बेदम हुए लुटेरे। जहाज से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। समुद्री लुटेरों ने किया था हाईजैक। भोपाल में एनजीओ के चिल्ड्रन होम से गायब 26 बच्चियों में 10 को प्रशासन ने ढूंढ निकाला। इस मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया। बीएसएफ ने 2 किलो से ज्यादा सोने के साथ एक शख्स को पकड़ा। बांग्लादेश से इंडिया में तस्करी का प्लान था। 1,44,00,000 रुपए सोने की कीमत। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए जेल से बाहर निकलने की इजाजत दी। हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम का आज हुआ शिलान्यास। 5 साल में 500 करोड़ की लागत से बनेगी इमारत। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बनाने का है दावा। चंडीगढ़ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले चीन कर रहा है भारत की तारीफ। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में सामाजिक न्याय हुआ। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश भागने की फिराक में था शाहजहां। कल ईडी पर हमले के बाद से फरार है आरोपी। बंगाल में ईडी पर हमले पर 3 FIR दर्ज। ईडी की टीम पर शुक्रवार को हुआ था हमला। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी। ईडी की टीम पर हुए हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। हावड़ा में ममता सरकार के विरोध में जलाया पुतला। ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी बोले पाकिस्तान की तरफ जा रहा है पश्चिम बंगाल। रोहिंग्या के लिए बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड। बीजेपी के हमले पर टीएमसी का पलटवार। ममता की पार्टी के नेता कुणाल घोष ने पूरी घटना के पीछे बताया बीजेपी की साजिश। ईडी पर हमले के बाद और हमलावर हुए अधीर रंजन। ममता सरकार से पूछा ईडी की टीम पर हमला होगा तो कैसे होगी भ्रष्टाचार की जांच। भगवान राम के ससुराल नेपाल के जानकी मंदिर से उपहार लेकर निकली यात्रा अयोध्या पहुंची। उपहार में फल मिठाई सोना और चांदी शामिल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण कार्ड पर भव्य मंदिर के साथ भगवान श्री राम की भव्य तस्वीर। कार्ड के अलावा निमंत्रण में एक पुस्तिका भी शामिल जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल कुछ प्रमुख लोगों की प्रोफाइल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया ये मुद्दा जिंदगी भर रहेगा। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर विवादास्पद बयान। कहा बीजेपी के लोग क्यों बांट रहे निमंत्रण। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले विपक्ष सिर्फ रुकावटों का भागीदारी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा समाजवादी पार्टी पर है राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप। कांग्रेस को SP से छुटकारा पा लेना चाहिए। राम मंदिर के गर्भगृह में लगेगी रामलला की श्यामल प्रतिमा। मूर्ति 51 इंच ऊंची और काले पत्थर की। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में खुलासा। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ दायर की है चार्जशीट। महादेव ऐप केस में बढ़ी पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें। बघेल के खिलाफ ईडी के हाथ लगे हैं अहम सबूत। भूपेश बघेल को समन जारी कर सकती है ईडी। टीम को मिला है वॉइस नोट। दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम को भेजा था ये मैसेज। वॉइस नोट में पैसे के लेन देन की बात। चार्जशीट में नाम आने पर भड़के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। आरोपियों पर दबाव बनाकर बयान दिलवाने का आरोप लगाया। कहा ईडी राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम महादेव ऐप मामले में आने पर गरमाई सियासत। बीजेपी सांसद मनोज मांडवी बोले कभी भी हो सकती है बघेल की गिरफ्तारी। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के सलाहकार अभिषेक प्रसाद डीसी रामनिवास यादव और आर्किटेक्ट विनोद सिंह को भेजा समन। तीनों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ईडी जांच को लेकर किया तंज। कहा बीजेपी की ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री में जाते ही नेता क्लीन हो जाते हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान। बोले बंगाल की तरह बिहार में भी ईडी की टीम पर हमला करवा सकती है लालू तेजस्वी की पार्टी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो जारी। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो। लिखा अन्याय और अहंकार के विरुद्ध जारी रहेगी यात्रा।